बलिया के एक स्कूल में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना कुछ छात्रों को महंगा पड़ गया। स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर असामाजिक तत्वों ने छात्रों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। मामला बिलथरा रोड कस्बे के गांधी मोहम्मद अली मेमोरियल इंटर कॉलेज का है, जहां कुछ दिन पहले भी भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को मुर्गा बनाए जाने का मामला सामने आया था। वो हम लोग स्कूल में थे तब से ये सब खेल रहे थे मारने के लिए। हम लोग बाहर निकले तो लाठी डंडा से मारने लगे हैं सब। कौन लोग? वो एक का पढ़ता है हाई स्कूल में, मुस्लिम लोग। मुस्लिम है? दस में हाई स्कूल में लड़का पढ़ता है, कैफ नाम है उसका। अच्छा, किस बात मिलकर मार रहे हैं? किस बात को लेकर हुआ है विवाद? किस बात को? कोई मुद्दा किस को कोई बात रही होगी? मुद्दा यहाँ की जाने बोला था, उससे बहुत किरियाँ थे सब, इसीलिए। अच्छा, भारत माता की जय बोले तो उसने वही मुद्दा है, उसे पहचाना। मैंने आप लोगों ने भारत माता की जय बोला, इस पे उन सब क्रोधित होकर आप लोग हमला किया। हम लोग भीड़ के साथ जा रहे थे, उसी में हम लोग को मारे, आपको भी मारे हैं। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। डीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक तत्व वो उस कॉलेज के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी इस प्रकार से घटना को बताया गया कि साहब वहाँ पर भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है, और जबकि जब DIOS का बलिया को भेजा गया मौके पर, और वहाँ विद्यालय के छात्र छात्राएं भी थे, जिसमें सभी धर्मों के छात्र छात्राएं और विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकगण भी थे, उनके बीच में जब DIOS ने जा करके घटना की जानकारी ली तो पता चला 5 साल पहले इस प्रकार की कोई बात हुई थी, और जिसको अब जा करके प्रचारित किया जा रहा है कि साहब भारत माता की जय बोलने पर मुर्गा बनाया जाता है। आज फिर कुछ उसी से जुड़ी हुई घटना मारपीट की प्रकाश में आई, सुनने में आया हम लोगों को, तो तत्काल मौके पर एडिशनल स्कूल बलिया पहुंच गए और SDM बिलथरा रोड वहाँ पहुंच गए, और उसमें एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो सांप्रदायिक ताकतें हैं कुछ जो इस प्रकार के विषयों को छेड़ करके उसके बहाने कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। फिलहाल तनाव को देखते हुए स्कूल को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। पंजाब केसरी TV के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।